वेलकम गाइस, आ गए फिर से मनाली ब्लॉग देखने। और क्या ही करोगे लॉकडाउन में घर बैठ के। वेलकम टू मनाली ब्लॉग पार्ट टू। तो आज हम घूमने जा रहे हैं मनाली के सबसे एपिक डेस्टिनेशन, दैट इज द सोलंग वैली, द रेन ऑफ स्नो। और देर किस बात का भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सोलंग वैली है क्या? सोलंग वैली एक्चुअली द जो कुल्लू वैली है हिमाचल प्रदेश में, उसका एक साइड वैली है और मनाली से तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर दूरी के पर है। मैं बोलूँगा आप अगर बर्फ़ लवर है, स्नो लवर है, तो ये मनाली टूर आप विंटर में ही कीजिए, क्योंकि विंटर में ही आपको मज़ा आएगा। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो सकती है विंटर में, कि विंटर में ज़्यादा बर्फबारी के कारण वो रोहतांग पास का रूट बंद रहता है, वही मिस होगा आपको विंटर में, नहीं तो पूरा मज़ा ही मज़ा है यार। सोलंग वैली पहुँचने से पहले हमें हायर करना है स्पेशल आइस सूट एंड बूट्स। ऐसा वैली पूरा बर्फ से भरा हुआ है, तो आप मिनरल कपड़ों में जाएंगे तो पूरा गीला हो जाएगा, तो ये लेना ही पड़ेगा। तो लेते हैं इस वाले दुकान से, फिर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ये पलचन ब्रिज के आगे उतरना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो ट्रैवलर है वो अभी उसका परमिशन नहीं है कि सोलंग वैली तक पहुंच पाए, तो हमें यहाँ का जो जिप्सी और स्नो बाइक है वो लेना पड़ रहा है पहुंचने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कुछ ड्राइवरों से, फिर देखते हैं कितना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बात किया कुछ ड्राइवरों से, वो लोग पहले तो बोल रहे थे 3000 पर जिप्सी, बट बार्गेनिंग करने के बाद 2600 पर जिप्सी का ले रहे हैं। एक जिप्सी में तकरीबन 7 बंदे हो ही जाते हैं, तो देर किस बात का। चलिए शुरू करते हैं एक्साइटिंग जर्नी। गाइस भाई, क्या बोलूं अभी, नहीं तुम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं क्या बोल सकता हूं, मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी। It is just marvelous and mesmerizing. Just watch the scenario. क्या नज़ारा है यहाँ का, इसको कैसे ही डिस्क्राइब करूँ, लैंग्वेज कम पड़ जा रहा है यार, तो बोलने का कुछ है ही नहीं, देखते रहो बस। जो ये सामने ब्रिज देख रहे हैं ना ग्रीन कलर का, वो है सोलंग वैली ब्रिज। हमें ये ब्रिज अभी पैदल क्रॉस करके जाना पड़ेगा, क्योंकि सोलंग वैली में एक स्कीइंग कंपटीशन चल रहा है, तो वीआईपी आने का संभावना है, तो पुलिस चेकिंग चल रहा है, तो टूरिस्ट के कारों को रोक सकते हैं। इसलिए ड्राइवर बोला कि हम पहले खाली गाड़ी क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को पहुँचा देंगे, तो क्रॉस करते हैं उसके बाद चलते हैं। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं सोलंग वैली के एंट्रेंस पर, जस्ट वेट कर रहे हैं कि हमारे सेकंड गाड़ी आ जाए, फिर एक साथ अंदर चलते हैं। एक छोटा सा स्टोरी शेयर करते हैं कि यहाँ पे मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि दौड़ के जाके सीधा बर्फ़ के ऊपर कूद गए, तो सब मेरे पे हंस रहे हैं, हमारे जो दोस्त गए, क्योंकि मेरा मुँह पूरा सफ़ेद हो गया था बर्फ़ में। तो वेट करते हैं, वो लोग आए फिर घुसते हैं।
सो वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड द सोलांग वैली। जस्ट देखिए द बर्फ के साम्राज्य को सामने, सीधा देखिए। देख लिया नजारा, सब शुरू करें मस्ती। चलिए कर रहा हूं। जैसा कि आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे एक स्की कंपटीशन चल रहा है, तो सामने देखिए वो फ्लैग्स लगे हुए हैं, वो है ट्रैक स्कीइंग का, और लोग जमे हुए हैं चार पास में। तो देखिए तो हम सभी ऐसे विंटर के टाइम में हम हिमालय में घूमने जाते हैं, वहाँ पे सबसे एक्साइटिंग चीज स्नोफॉल ही होता है। तो नाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग लाइव स्नोफॉल हियर एट सोलांग वैली। आप बहुत माइन्यूटली देखिए, आपको स्नोफॉल दिखेगा। तो दोस्तों ग्रैंड स्लाइड स्टार्ट हो गया है, देखते रहिए ग्रैंड स्लाइड।
अभिज्ञान किसके लिए वेट कर रहा है ऊपर? आजा 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 नीचे आजा। आप सामने जो देख रहे हैं ना, ये सब यहाँ का जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है जो होता है, लाइक स्केटिंग, स्कीइंग, जॉबिंग एक्सेट्रा, ये सभी देख रहे हैं आप सामने। ये सब आप ले सकते हैं, हायर में ले सकते हैं। जब आप जिप्सी लेंगे पलचन ब्रिज से, वहीं पे आपको रेट वो ड्राइवर्स बताते हैं अपने रेट के अंदर करके एडवेंचर स्पोर्ट्स का ले सकते हैं वहाँ से। वो आप देख पा रहे हैं, यह है रोपवे सर्विस यहाँ का। यहाँ से क्या होता है कि जब यहाँ पे पैराग्लाइडिंग होता है तो आपको नीचे से रोपवे करके ऊपर जाके पैराग्लाइडिंग कराते हैं, क्योंकि अभी पैराग्लाइडिंग बंद है तो अब तो कोई जा नहीं सकता, अभी जस्ट घुमा रहे हैं। सो गाइस, ये रही हमारे गैंग का कुछ फोटो सोलंग वैली में। अब बाय बाय करते हैं सोलंग वैली को, हमारा जाने का टाइम हो गया है यहाँ से। तो जाते जाते आपको कुछ स्टोरी सुनाते हैं वीडियो एंड करने से पहले, चलिए वो स्टोरी सुनते हैं। तो आपको एक कहानी शेयर करते हैं कि ऐसी कहानी है ना दोनों, आपको मज़ा हंसते हंसते आपका पेट दर्द करने लगेगा। क्या ना, हम लौटे हैं सोलंग वैली से, तो लौटने के टाइम हमें वो जो रेंट का आइस सूट और बूट लिया था वो वापस करना था। हमने वो दुकान में जब वापस किया तो हमने सबको बोला हमारे ग्रुप के कि सब अपने अपने सूट का पॉकेट चेक कर लो, कहीं किसी के पॉकेट में अपना पर्स या मोबाइल या और कुछ ज़रूरी कागज़ कुछ रह ना जाए उसके अंदर। मैंने और मेरे एक दोस्त ने मिलकर 4 से 5 बार बोला ही, फिर हम सब चढ़ गए गाड़ी में और रुक गए। तो मैं और मेरे एक दोस्त उतर गए मॉल रोड में खाने के लिए और बाकी सब चले गए हमारे हॉस्टल। तो अभी हम जस्ट होटल में घुस के लंच के लिए थाली ऑर्डर किए ही थे, जस्ट हमें सैलड ही दिया था, उधर से कॉल आ रहा है कि एक लड़की का फ़ोन नहीं मिला और उसने फ़ोन दूसरे के फ़ोन से उस नंबर में डायल भी किया, फिर भी वो फ़ोन नॉट रिचेबल जा रहा है, फिर बंद आ रहा है। उसका तो पूरा टेंशन एंड पूरा ग्रुप का टेंशन हो गया कि ये इसका फ़ोन गया फिर से। तो अभी उन्होंने हमें फ़ोन किया, वो लोग ने हमें बोला कि जल्दी जल्दी जाओ, ये लोग आ रहे हैं एक ऑटो पकड़ के, तुम्हारे जहाँ पे घर है वहाँ पे आ रहे हैं, तुम लोग भी उसके साथ जाओ, जाके ढूंढो क्या हुआ वो दुकान में जाके। हमारे भी टेंशन हो गया कि हम ऐसे ही अभी खाने बैठे हैं और ये टेंशन शुरू हो गया। तो हम जल्दी जल्दी में खाना ख़त्म किया, फिर नीचे आए, रोड के पास गया कि उनका ऑटो खड़ा था, फिर ऑटो में बैठ के हम निकले वो दुकान के लिए। अब ये कैसे कि उनको पता ही नहीं है वो दुकान का नंबर क्या है, क्योंकि वो जो दुकान है ना वहाँ पे बहुत सारे जहाँ से हाइट सूट और बूट दिया जाता है भाड़े में, तो क्या है कि वहाँ पे दुकानों का कोई नाम नहीं है, दुकान का नंबर है। तो हमारे पास था, मेरे दोस्त के पास उस दुकान का जो बिल था, वो बिल वो देख के हम दुकान का नंबर देख के वो दुकान में गए। तो जाने के बाद उनको बोला कि ऐसा ऐसा केस हुआ है, तो हम वो सूट देखना चाहते हैं जो ये पहने थे। उन्होंने सीधा दुकान में वो सूट दिखा दिया हमें, हम ढूंढे तो देखे कि वो सूट के पॉकेट में ही। फिर उसको पड़ी डांट हमसे कि हमने 5-6 बार बोलने के बाद भी तुम कैसे भूल गए अपना फोन। बस अभी खत्म नहीं हुआ, एक और स्टोरी तो बाकी है, इसमें भी सुनिए, ये और ज्यादा मजेदार है, इसमें कुछ खोया खोया नहीं है, ये मजेदार कहानी है कि उस दिन रात को हम जब सब हॉस्टल चले आए, फिर मैं और मेरा एक दोस्त रूम में थोड़ा पैक कर रहे थे बैग, क्योंकि हमें अगले दिन सुबह सीधा निकल जाना था यहाँ से चंडीगढ़ के लिए। तो हम पैक कर रहे थे और बाकी सब वो हॉस्टल के कॉमन रूम में बैठ के गप्पे मार रहे थे, तो अचानक एक आके
दरवाजे में हमारे दोस्त नॉक किया, हमने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने एक चिकन पकौड़ा का प्लेट हमें दिया। और हमें क्या, हमें लगा कि वो लोगों ने ऑर्डर किया है तो हमारे लिए भेज दिया है एक प्लेट, तो हम आके खाने लगे। हम दोनों ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिए थे, फिर एक और दोस्त आया कॉमन रूम से, उसने आके बोला कि तुम लोगों ने ऑर्डर किया थे। हमने बोला हमने कहाँ ऑर्डर किया, हमें तो लगा तुम लोगों ने ऑर्डर किया। तो क्या है कि उन लोगों ने भी ऑर्डर नहीं किया, हमने भी ऑर्डर नहीं किया और हमने ख़त्म कर दिया वो प्लेट। तो बाद में हम रिसेप्शन में जाके पता किए कि है क्या क्या, हमने भी ऑर्डर नहीं किया और हमारे बाकी दोस्त ने भी ऑर्डर नहीं किया, तो आए कहाँ से यहाँ पे। एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारे ठीक बगल वाले रूम में कुछ और टूरिस्ट आए हुए थे, 3-4 लोग थे वहाँ पे। तो वो लोग ऑर्डर किया था ये एक प्लेट चिकन पकौड़ा। ये रिसेप्शन का प्रॉब्लम है कि वो हमारे वो दोस्त को बोल दिया कि इस रूम में ये ऑर्डर दिया गया है, वो रिसेप्शन से उसको हमारे रूम का नंबर बता दिया गलती से, और वो भी आके हमें दे के चली गई। तो हमने उसको ख़त्म भी कर दिया। तो अब आया, इसका तो पैसा हमें ही देना है क्योंकि हमने ख़त्म किया है, हमें ही देना है ना, तो कोई देने का राजी ही नहीं, तो हमारा तो गलती है ही नहीं। तो ये तय हुआ जो हमें हमारे रूम में वो सर्व करके गया था वही पैसा दे, लास्ट में वही पैसा दिया भी। ये तो कहानी था। अब बाय बाय करते हैं इस ब्लॉग से, एंड हो गया मनाली ब्लॉग। अब ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक छोड़ के जाना, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है, मार देना लाइक। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, बहुत शेयर करो वीडियो को, फिर कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा ये वीडियो, सब्सक्राइब करो चैनल को और भी ऐसे वीडियोस के लिए। और एक बात भाई, आज है 23rd अगस्त, आज हमारे कैमरामैन अभिज्ञान भट्ट का जन्मदिन है, तो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे अभिज्ञान, स्टे ब्लेस्ड, से स्टे हैप्पी एंड घूमते रहना ऐसे ही।